In ancient days, now long ago. Lived those who learned to bond and grow with any monster they should know. The people then would call them so. Riders. Those who forge bonds with monsters. लोंडो की हलचल तुम बढ़िया की शुरुआत। आज हम लोग फिर से चालू करने वाले हमारी पुरानी सबसे हाइप्ड सीरीज, इसका नाम था मॉन्स्टर हंटर स्टोरीज। एंड इस गेम को मैंने फिनिश नहीं किया था बिकॉज ऑफ फोन का प्रॉब्लम। मतलब मैंने जो पहले फ़ोन में रिकॉर्ड करता था वो फ़ोन काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड साउंड रिकॉर्ड करता था, बट मैंने जो सेकेंड फ़ोन लिया था उसमें बैकग्राउंड साउंड अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होता था। दैट्स वाई इस सीरीज़ को मैंने ड्रॉप कर दिया था। लेकिन आखिरकार ये गेम फिर से एक रीमास्टर वर्जन में रिटर्न आया है। एंड इस बार इस गेम के ग्राफिक्स पहले तो बेहतरीन थे ही, इस बार सुपर अल्ट्रा बेहतरीन होने वाले हैं। एंड इस सीरीज में अपने को फिर से उसी जानदार शानदार एक्शन एडवेंचर देखने को मिलने वाला है। प्लस इस बार कहें तो कुछ नई चीज़ें ऐड की गई हैं इस गेम में। जैसे कि तुमने शुरुआत में देखा होगा, जब मैंने पहले अपना गेम प्ले सीरीज चालू किया था तो इसमें लोग आदिवासी टाइप का एक अलग ही लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन इस टाइम इस चीज़ को डब कर दिया गया है। अब हमें सारी की सारी इंग्लिश में ऑडियोज मिलने वाली हैं और बहुत सारे कैरेक्टर्स जिसमें आवाज़ नहीं थी उन्हें आवाज़ दी गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। मैं तो एक्साइटेड भाई इस सीरीज को फिर से खेलने के लिए, एंड या इसको इस बार कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज इस बार सीरीज को अपन कंप्लीट करने वाले हैं जो पिछली बार कुछ इशूज़ की वजह से नहीं हो पाया था।
सो लेट्स सी कैसी कैसी चीजें अपने को देखने को मिलेगी। और खास कर मैं भाई उस लौंडिया की आवाज सुनने के लिए तैयार कर रहा हूँ। उस गेम में दो लौंडिया है जो काफी तबाही है, एंड प्लस अपना जो दोस्त है भाई जो अपने माँ का बदला लेना चाहता था, देखते हैं उसका बदला कहाँ तक प्रोग्रेस में पहुंचेगा इस सीरीज में। खत्म करना है, मजाक नहीं चल रहा, बट ठीक है स्टोरी के मजे लेते हैं फिलहाल के लिए। Astride a white dragon, they'll take to the skies. Then blight will recede and the light will live on. With rider of monsters. And champion of bonds. तो जो ये कहानी बता रहा था मैं फिर से तुम लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे बंदे नए होंगे जो इसकी कहानी नहीं जानते होंगे। तो ये कहानी थी एक हीरो की जिसने बुराई के खिलाफ लड़ा था, एंड उसे राइडर कहते हैं इस वर्ल्ड में। जो मॉन्स्टर टेमर्स होते हैं जो मॉन्स्टर्स को जमा करते हैं। ओ भाई साहब लिलिया का आवाज क्या मस्त है भाई, क्या बात है। यू नो वी आर नॉट सपोज्ड टू बी हियर। ऑफ कोर्स केवल का आवाज भी मस्त है भाई, केवल का आवाज भी अच्छा डबिंग किया गया है। I found a monster egg. Oh, okay. हाँ, हम लोग इधर monster egg ढूंढने आए हैं, अगर तुम लोगों को ना पता हो तो। I guess. Don't tell me you're scared. Oh, boy. No way. ग्राफिक कितने मस्त लग रहे हैं इसमें। इस बार जो डिटेलिंग दिया गया है बहुत मस्त दिया गया है, एंड लुक की वॉइस भी काफी अच्छी है। Riders aren't afraid of anything. Of course. भाई बोल रहे राइडर्स किसी से नहीं डरते भाई, बस ये एक चिड़िया से डर गया। ऑफ कोर्स आई एम नॉट स्केयर्ड, आई जस्ट ट्रिप्ड। ओके हां समझ रहा हूं, केवल भाई बस तू फिसल के गिर गया। समझ गया। हां व्हाट्स दिस। स्टोरी में कुछ डिफरेंट किया गया, जैसे ये पहले अपने को दिखाया नहीं गया था जहां तक मुझे पता है शायद से। You're not afraid, right? Then prove it. Why not, Keval? चल दिखा दे. Let's go. Keval. वैसे इसको केवल ही बोलेंगे ना? मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो मेरे को सही कर देना, guys. मैं बड़े दिनों बाद भाई इन लोगों के नाम ले रहा हूँ तो एक्साइटेड अलग ही हूँ मैं। मतलब गेम देख के, इसके ग्राफिक्स देख के, प्लस इसकी स्टोरी में थोड़े बहुत डिफरेंस देख के अलग ही मजा आ रहा है भाई, अलग ही मजा आ रहा है, बता नहीं सकता तुम लोग को। बढ़िया गाइस, अगर तुम लोग ये गेम खेलना चाहते हो, जो भी चैनल पे नया होगा, इस गेम को पहली बार देख रहा होगा एंड उसको नहीं पता होगा ये गेम किस किस पे अवेलेबल है, तो ये गेम सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। मतलब जो तुम्हारे पास हो, एंड्रॉयड फ़ोन हो, iOS हो, PS4 हो, PS5 हो, निंटेंडो स्विच हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, जो भी हो, मतलब तुम्हारे पास सारे के सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बट या ऑफकोर्स ये थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है, बट स्टिल इसका प्राइस वर्थ इट है भाई। जो मैंने गेम खेला था एंड ख़रीदा था, वर्थ इट है भाई ये गेम, लिटरली वर्थ इट है। जो भी तुम्हारा 1400-1500-1600 रुपया ले रहा है, वर्थ इट है। ऐसा मैं बोलूँगा ही नहीं भाई कि वर्थ इट नहीं है, ये गेम लिटरली वर्थ इट है। ओके तो आगे बढ़ते हैं और अंडे की हंटिंग चालू करते हैं। एंड इसमें अच्छा ग्राफिक के ग्लिचेज स्टिल वही पुराने वाले फील आ रहे हैं, बिकॉज अब तुमने देखा होगा पहले भी मोबाइल वाले गेम्स में भी जब आपने गेम प्ले किया था तो जो उसके हाथ थे, वो जो उस पर कॉस्ट्यूम था, वो कॉस्ट्यूम मतलब जो पीछे का कैप है उसके आर पार होता था। तो या मतलब इतना ज़्यादा डिटेलिंग इन्होंने कुछ खास मेरे हिसाब से नहीं दिया है, बट स्टिल भाई जो ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट किया गया एंड जो हमारे आख कैरेक्टर को अभी ऐसे दिया गया है, बिकॉज हमें इसे कस्टमाइज़ करना पड़ेगा आगे। सो लेट्स गो, पहले संडे को ढूंढते हैं, देन फिर अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज करते हैं। मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ, फिर से एक नया बढ़िया सा कैरेक्टर बनाएंगे। ओके तो इसका वो जो तरीका है उठाने का वो पुराना ही दिया गया है, बिकॉज अब हमें वो गेम की फीलिंग आनी चाहिए यार। मतलब गेम के ग्राफिक्स इंप्रूव हुए हैं, सब कुछ इंप्रूव किया गया है, बट जो तरीके हैं, चीज़ें हैं, वो अभी तक इसकी ओरिजिनल हैं। तो ये काफ़ी मस्त है, उठाने उठाने वाली चीज़ है। ओके केवल भाई एक अंडा मिला। एग्स, देर आर नो एग्स, दे आर रियली इन एग्स अराउंड हियर। अच्छा मतलब इसमें इन लोगों ने आई थिंक कट सीन्स में सिर्फ वॉइस ओवर किया है, जो काफ़ी सही है। मतलब
क्योंकि आप उन गेम प्ले करते हैं तो कट सीन में अगर वॉइस ओवर हो तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उसमें डिस्टर्बिंग होता है यार, मतलब नॉर्मली कन्वर्सेशन में भी अगर उन्हें वॉइस दिया गया तो यार ये सही है। दैट विसल इट्स अ लिलिया सिग्नल, लेट्स गो। ऑफकोर्स भाई लेट्स गो, लगता है उसे अंडा मिल गया, अंडे का फंडा, उसका भुर्जी बनाएंगे। ओके ब्रूट बोन लेट्स गो। लिटरली भाई इसके ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए यार, मैं तो उसको सिर्फ ग्राफिक्स दे देख के खुश हो रहा हूँ। मैं इसके बैटल का वेट नहीं कर पा रहा हूँ यार, बैटल इसमें कैसा होगा मतलब लिटरली भाई। एंड इसमें मॉन्स्टर्स को कितना ज़्यादा डिटेल दिया गया है, जैसे टाइगर अपना वो हो गया, उसके बाद अपना राथा हो गया, भाई कितना मज़ा आने वाला है मतलब लिटरली मैं बता नहीं सकता भाई। बहुत सारे मॉन्स्टर्स पकड़ने के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, और प्लस इसमें वो DLC वाले मॉन्स्टर्स भी डाले गए हैं, तो यार DLC वाले मॉन्स्टर्स कहीं अपने को अर्ली पकड़ने को मिले तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। सो या लेट्स सी, देखते आगे बढ़ के क्या क्या अपने को देखने को मिलेगा। ओके लुक अप देयर, इस लॉन्डिया को मैंने आई थिंक बेवकूफ कहा था अपने पिछले सीरीज में, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बेवकूफ है, क्या बोलना, बढ़िया क्यूट भी है। तो क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं तो लॉलीपॉप बन रहा हूँ दायक। और ठीक है, कैरेक्टर्स काफी प्यारे हैं यार। आई वंडर व्हाट्स इनसाइड। ऑफ कोर्स आई फील लाइक आई हैव सीन इट बिफोर इन द मॉन्स्टरपीडिया। ओके अगर किसी को नहीं पता होगा मॉन्स्टरपीडिया क्या है, तो ये जस्ट लाइक पोकेमोन में जैसे अपना पोकेडेक्स है, तो उसमें मॉन्स्टरपीडिया, जिसमें आप मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगा सकते हैं कि आखिर वो मॉन्स्टर क्या है, क्यों है, किस लिए है। बट वी कांट, ओनली अ राइडर विद अ किनशिप स्टोन कैन डू दैट, राइट? एंड किनशिप स्टोन के बारे में भी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर कोई बंदा हुआ स्पीड रन करने की कोशिश कर रहा होगा कि हाँ भाई गेम आया है चलो खेल के फटाक से खत्म करते हैं, तो किनशिप स्टोन क्या है, तो एक तरह का डिवाइस है जिससे तुम मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बना सकते हो, जहाँ तक मैंने गेम खेला उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। So let's become riders then. Of course, Lilia. Become riders? How are we supposed to do that? किनशिप स्टोन चाहिए ना भाई राइडर बनने के लिए। ओह या सस्ता वाला किनशिप स्टोन नहीं सुधरेगी ये। We'll do the rite of kinship ourselves. First, hold up your kinship stone. Okay, okay. Then where is the magic? These are just regular rocks. Of course, भाई मुझे भी पता है। Hey, attention. हाँ, बात तो सही है। लिलिया की बात सुन भाई, लिलिया की बात सुन। This is a sacred ritual. Be respectful. सही बात है, सही बात है। Whatever you say. Okay. Next, we formally introduce ourselves. अपना कैरेक्टर बहुत ज़्यादा भोला है, सिंपल भाषा में बोले तो अब एक को नेम देना है। अंडे को क्या नाम देंगे भाई? भुर्जी का अंडा, अंडा फ्राई, अंडा करी या ओके हमें फाइनल कैरेक्टर का ऑप्शन मिल गया। तो पिछली बार गर्ल का कैरेक्टर भी काफ़ी सुंदर है, बट ऑफ कोर्स मैं बॉय चुनने वाला हूँ। सो लेट्स गो विद द आई थिंक सो ये बी टाइप्स बहुत सही है। एंड नहीं भाई आई थिंक सो सावला, ये सावला स्किन टोन सही है बिकॉज ऑफ ये काइंड ऑफ मेरे जैसा, ये मैं इतना भी गोरा नहीं हूँ। तो या लेट्स गो देन नेक्स्ट। इसकी आंखें बड़ी मस्त मस्त है। ये बूंदू वाली आंखें भाई, इसकी कस्टमाइजेशन मुझे बहुत पसंद है भाई, ये वाली आंखें भाई सुपर सैयन वाली याद दिलाती है। सो लेट्स गो विद दिस वन आई थिंक सो। एंड अरे भाई मेरे को आंखों का कलर चेंज करना था भाई, हाँ सुपर सैयन रेड, क्या बोलते हो गाइस, सही नहीं है? एंड माउथ ओ भाई कूल हो भाई, आई थिंक सो ये कैसा मुंह है? ओके हाँ डिसेंट सा, ये सही है, ये सही है। ओके आई थिंक सो रेड हेयर परफेक्ट रहेगा, रेड हेयर इज द परफेक्ट। एंड वॉइस आई थिंक टाइप ए ज़्यादा सही लग रहा है। एंड मेकअप पे ओ भाई इसके स्कार्स वाले लगाने वाले फंडे सही रहते हैं, आवाज़ को क्या कर रहा मैं। मेरा फेवरेट वाला मार्क का है, मैंने अपना मार्क कौन सा लगाया था मैं भूल भी गया अपने पुराने कैरेक्टर पे। ब्लसी ब्लसी भाई सारा दिल विल भाई, एक नंबर नंबर इसमें, मतलब मार्क्स मेरे को इसके बहुत पसंद है। इसमें जो ये वाला आई थिंक मैंने लगाया था पुराने वाले पे, एंड मैंने इसको कलर भी दिया था ना यार रेड कलर। लेट्स गो फुल आदिवासी लगेंगे भाई। इंटर अ नेम। ओके लेट्स गो विद द
मैक्सवेल, आई थिंक किंग नहीं लिख पाएंगे आप उन, तो या दैट्स इट। यप ओके, अबे भैया ओके मारना। ओके लेट्स गो फिनिश कन्फर्म। चलो किंग तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो या मैक्सवेल बहुत सही है। सेक्रेट किनशिप स्टोन, बाइंड थाइसेल्फ टू दिस यंग स्पिरिट। ऑफ कोर्स, रीबर्थ इज नाइ, नाउ अनलीश योर क्राइ। अंडे से निकल जा बच्चे, बटले बूढ़े, लिलिया बुला रही है तेरे को। नो गुड हां, मैं जानता था तेरा मंत्र नल्ला है लिलिया, तू किसी काम की नहीं है। ओ उठ रहा है भाई, उठ रहा है भाई, लिलिया भाई खतरनाक है भाई, उसके पास मंत्र पावर तो है भाई खतरनाक। ओके क्या देखने को मिलेगा, हमारा राथा जिसको कुछ नहीं आता भाई साहब, क्यूटी पाई जो बना देता सबका अंडा फ्राई। ओ भाई क्या बात है, बहुत क्यूट लगता है यार। इतना क्यूट है। ओ भाई किंग ऑफ द स्काई, क्या बात है क्या बात है। ऑफ कोर्स अब बोल, लिलिया का रिचुअल बकवास था, कैसे कैसे केवल भाई कैसे। ओ डी बॉय, अरे भाई खोपड़ा फोड़ेगा भाई, खोपड़ा फोड़ेगा। मेरा बंदा तो गया। ओ ओके अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स बच्चों का ये आदत होता है ना, जिसे पहले देखते हैं उसे ही अपनी मदर मानते हैं, तो या कह सकते हैं। ऑफ कोर्स अच्छा भाई, जब राथा द राथलोस, मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था भाई, इसने रखा था इसका नाम राथा, जिसको कुछ नहीं आता, मतलब लिटरली कुछ नहीं आता। ओ भाई कितने क्यूट लग रहा है भाई, क्या बोलूँ मैं। इसके ग्राफिक्स यार जो इन्हांस किए गए ना, वह बहुत मस्त लग रहा है यार, लिटरली मैं बता नहीं सकता। मैं तो एक्साइटेड हूँ अपने नेवरेस को देखने के लिए, अब नेवरेस कैसा दिखता होगा, मतलब इस ग्राफिक्स में कितना ही क्यूट दिखता होगा। पहले तो खतरनाक बिल्ला था ही, अब कितना खतरनाक लगा। ओ भाई हाकुम विलेज क्या लग रहा है यार गाइस, हाकुम विलेज कितना भारी लग रहा भाई एडवांस ग्राफिक्स में, मतलब क्या ही बोलना। पहले भी अच्छा था बट यार इस बार तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल से देख रहे हो, अपना सॉपर बंदा, उसके बाद हमारे अन्ना का वो हाउस, मतलब जो मुखिया है इस गांव का। ठीक है मैं अपने घर के अंदर जाने में एक्साइटेड हूँ, मतलब मेरे घर के अंदर क्या मिलेगा मुझे देखने के लिए। ओके प्रोसेसिंग द स्टोरी सेलेक्ट द स्टोरी क्वेस्ट कैंपेन, हाँ समझ गया समझ गया भाई, कुछ डिटेल वाली बताओ। ओके इसमें मैप कैसा दिखता रहेगा, लेट्स सी। ओ अच्छा बिल्कुल मोबाइल फ़ोन वर्जन की तरह ही है, मतलब साइड में मैप दे रखे हैं, तो मैं अपने कंट्रोलर से मैप को आराम से कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है सही है, फिलहाल के लिए तो अपने को मैप देखने की ज़रूरत काइंड ऑफ है, बिकॉज ऑफ मुझे चीज़ें काफ़ी भूल चुका हूँ। बट ये है अपना घर साइज से, इसके अंदर अभी अपने को एक्सेस नहीं मिला है। लेट्स सी पहले लिलिया से बात करते हैं। Of course, क्योंकि बच्चा है। He's pretty big for a baby, isn't he? I think so. Hey, you little brats! आ गए हमारे डैन भाई। कैसे हो डैन भाई? बड़े दिनों बाद। I was cold and entered the forest. Punishments all around then. क्या बात है? हाँ हम लोग बिना बताए क्योंकि जंगल में चले गए थे ना, और जंगल में बिना बताए जाना मना था, मतलब बता के भी जाना मना था एक्चुअल में, क्योंकि जंगल में जाना ही मना था बच्चों को, तो यहाँ में पनिशमेंट मिलने वाली है। ये चिवल की मॉम है भाई, आगे की स्टोरी में नहीं तुम लोग को स्पॉइल नहीं करना चाहता, तुम लोग खुद देखो। I'm really sorry. मगर चेवल की मॉम काफी सुंदर है, मानो या ना मानो। You even caused trouble for Dan. Go and apologize to Chief Omna. या Chief Omna या या। उस बुढ़ावे से भी मिलना है अपने को। I'll be waiting for you. What would you have done if a fully grown Rathalos had shown up? डैन बेचारा डरा हुआ है, क्या चल रहा है भाई, इन लोग रैथलोस कहाँ से उठा लाए। Just thinking about it sends chills up my spine. You are in real danger. Of course. Right. We're going to see Chief Omna. You three, follow me. Okay, sir. Okay. Tension नहीं लेने का आते यार, काहे को डरा रहे हो भाई, बच्चे हैं। हो गई गलती यार, हमें बस राथा देखना था, दैट्स व्हाई। Okay, still अपने को अपने घर के अंदर एंट्री नहीं है, तो अपने को चीफ ओमना से मिलने जाना पड़ेगा। चलो डैन भाई, मैं चला चीफ ओमना से मिलने, बाद में मिलते हैं तुमसे, फिलहाल के लिए
हेलो चीफ ओपना, व्हाट आर यू डूइंग ब्रो? कैसे हो? तुम्हारी दाढ़ियां तो बढ़िया लग रही हैं। चिल्ड्रन आर सेफ एंड साउंड, देयर इज नो पॉइंट गेटिंग टाइटली वाउंड, दे विल हैव मोर देन इनफ टाइम टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर हीनस क्राइम। ऑफ कोर्स यू से सो चीफ, आई विल लेट यू ऑफ ऑन दिस ओकेजन, दो योर एक्शंस वर रादर ब्रेजन। शुक्रिया भाई ओमना भाई, शुक्रिया, बहुत ही दिलदार भाई, अपने चीफ ओमना बहुत ही दिलदार हैं यार, बच्चों को माफ कर देते हैं। Well, it's best I don't explain. Okay. Yes, sir. Thank you, Chief Omna. Of course. Oh, ho, ho. Oh, ho, ho. I think you already know. And yet, I cannot help but nod. What has happened is rather odd. Mm. Yes. No one's bonded with a monster without a kinship stone before. ओके, तो अपन स्पेशल है भाई, विदाउट किनशिप स्टोन के अपने को भाई मॉन्स्टर मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी में। वैसे मैं उसका पेरेंट बन चुका हूँ। Bonds rider to monster, heart to heart. या मतलब किनशिप स्टोन में मॉन्स्टर्स को अपना दोस्त बनाने के लिए तुम्हें अपने हार्ट टू हार्ट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो या ये काफी अजीब फंडा है जो मैं तुम लोग को आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो भी नए बंदे हैं, पुराने बंदे तो जानते ही हैं इसके बारे में। Purity of the child's soul resonates and makes them whole. Though still young, you have potential to become a rider most influential. भाई साहब, चीफ ओमना का भी वॉइस ओवरिंग, जो वॉइस ओवर है, बहुत अच्छा किया गया है। Yeah, that's amazing. Of course. Hey, don't go getting ahead of yourself. Yes, sir. Okay. Huh? The alarm. Is it a monster? क्या बात कर रहा है? We need to go. Okay. हमें छुपना पड़ेगा भाई, मॉन्स्टर का हमला हो गया, गमला फूटने वाला है। ओ भाई साहब, तगड़े एक खतरनाक ग्राफिक्स, यहाँ होगा हमारे सबसे खतरनाक विलेन की एंट्री, जिसने पूरे सीरीज की माँ बहन, भाई बहन, अंकल आंटी, चाचा चाची सब कर रखी थी। नाराकुगा, इसका नाम मैं इस बार सही से ले पा रहा हूँ, पहले इसका नाम नारा कुशकुला में बोलता था, नाराकुगा नाम है इसका। चलो ठीक है। ओ बॉय, नहीं भाई, ये वाला सीन अभी भी मेरे को देख के बुरा लगता है, लिटरली बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। चीवल की मॉम इधर मारी जाती हैं मिस नाराकुगा की वजह से, और यहीं से ड्रामेटिक चेंज आता है भाई हमारे चीवल में, या केवल में, जो भी बोल लो। ओ लेट्स गो राधा, वो भी बोलते हैं फुट डाल राधा, तेरे को कुछ नहीं आता, बट कम से कम तेरे को फायर बॉल तो मारने आता, और क्या जाता किसी का बताया। राधा वर्सेस नाराकुगा भाई, राधा है बटला, बट क्या ही बोलना, खतरनाक लौंडा है भाई, यही कह सकते हैं कि मतलब हाइट कम फाइट ज़्यादा वाला बंदा है, बट पिट गया ऑफ कोर्स भाई। भाई नहीं नहीं, हमारा राधा गया, अरे भाई साहब, राधा हमारा मतलब एक पल का था भाई साथी, और मार दिया इस हाथी ने, क्या ही बोलूँ मैं भाई। इसने चेवल की मॉम को तो मारा ही, हमारे राधा को भी इसने टपका दिया, अभी हम बंदा हमसे बचेगा नहीं, मतलब बचेगा क्या, बचेगा ही नहीं। या दवाई मचा के गुल हो गया। ऑफ कोर्स लिली, मुझे ये नहीं समझ आया, बट चेवल की मॉम का बॉडी नहीं मिलता या क्या वो सेफ है? हो भी सकता है, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि मैंने स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं की थी। Why? Why did this happen? I'll never forget. ओ भाई, ये वाला सीन तगड़ा था भाई, जो चीवल देखता है ना वो अलग ही मजेदार सीन है। लेट्स गो सेव द गेम, आई थिंक सो, फर्स्ट वाले पे सेकंड वाले पे कर देते हैं।
अरे वैसे इसमें स्लॉट्स ज़्यादा दिए गए हैं, पिछली बार स्लॉट्स आई थिंक सेविंग के कम थे या थे, आई डोंट नो, मतलब या पता नहीं, मैं थोड़ा भूल चुका हूँ। एक साल बाद, अरे दिखा भी दो एक साल बाद। ओके चलो, सब शांति भरा हो गया, मतलब वो नाराकुगा के अटैक के बाद फिर से इस विलेज को रीबिल्ड इन्होंने कर लिया साल भर में। एंड ऑफकोर्स चेवल की मॉम मारी गई थी तो उनकी लाश का उधर कब्र बनाया हुआ है। A year has passed since the Narakuga's attack. Hakum village is slowly rebuilding back to its former glory. Today is the day of a writ of kinship. It's the final step to becoming a rider. But what will you do? Have to do? Of course, bhai. Aaj ke din hum banne wale rider, the provider. Bhai saab, khatarnak bole to abhi bhi apne ghar ke andar nahi ja sakte. Main bhai ghar ke andar dekhna chahta hu. Agar kya kya dekhne ko milne wala, but aaye andar hi jaane nahi de rahe. Par theek hai, koi na. Aur aunty, aunty hai na? अच्छा आंटी छे, आंटी है ना पक्का, या आंटी छे। ओके आरा आरा बोल रही, वाह 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 वाह, सुन के मजा आ गया। इट्स बीन अ व्हाइल होल ईयर, दिस विलेज इज फाइनली गेटिंग बैक टू नॉर्मल, बट व्हाट अबाउट वैल्यूसन, व्हाट वाज हिज नेम? अबे उसका नाम केवल था भाई, वैल्यूसन, वैल्यू, अच्छा उसकी मॉम का नाम वैल्यू था, या चेवल। ही स्टिल डज नॉट क्वाइट सीम हिमसेल्फ, या भाई सब साल भर हो गए, उसकी मॉम मर गई, उसके डैड का भी अता पता लता कुछ नहीं था यार, मतलब जहाँ तक मुझे स्टोरी के बारे में पता है उसके डैड के बारे में भी हमें कुछ नहीं बताया गया। तो या वेल ही लॉस्ट हिज इंटायर फैमिली, ऑफकोर्स ही इज नॉट हिमसेल्फ, ऑफकोर्स भाई चेवल, सोचो उसकी मॉम उसकी आखिरी थी जिंदगी में एंड उसको उसने भी खो दिया। तो या ये स्टोरी है, मतलब अलग ही लेवल का रिवेंज वाला स्टोरी है जो देखने में तुम लोग को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि आखिर अपना चेवल कैसे बदला लेगा उस नाराकुगा से, जो भी नाम है उस अजीब से खतरनाक लौंडे का। और हमें अपने राधा का भी बदला लेना है, ऐसा नहीं है कि अपन छोड़ देंगे उसे। उसने भाई हमारा विलेज तबाह किया, हमारे दोस्त की मॉम को मारा एंड हमारे राधा को भी उसने गिरा दिया, मतलब ऑफकोर्स ऐसे राधा खुद ही गिरिया, फिसल के बात अलग है, बट फिर भी बदला तो बदला होता है। ये एक अल्टीमेट रिवेंज स्टोरी है, काइंड ऑफ कह सकते हो। I mean, he's still just a kid. I thought I did hear he become a rider recently. Oh, हमारा चेवल भाई राइडर बन चुका है, क्या बात है भाई साहब। हेलो लिया, तू राइडर नहीं बनी, तुझे क्या बनना है, प्रोवाइडर बनना है इसे। Oh, there you are. This is the day, huh? You finally get to become a rider. Of course. Your lifelong dream is coming true. Yep. You're going to do the rite of kinship and become a true rider, right? Yep. Of course, मैं राइडर बनने के लिए कब से वेट कर रहा हूँ, बकवास मत कर। I still don't know what I want to do. I don't really want to be a rider. There must be something only I can do. Okay, तो उस लिलिया की बच्ची को राइडर नहीं बनना है, इसे ऐसा बनना है जो ये सिर्फ खुद यही कर पाए। तो क्या बनना है भाई, जादूगर नहीं बन जा, मतलब यार किसी स्टोन से अंडे निकाल और क्या ही कर सकती है। I'm gonna give it a bit more thought. Okay, तो ये थोड़ा और समय लगाने वाली है सोचने में, ठीक है। Cheval. Okay, Cheval आ गया भाई। What are you doing, bro? कैसी चल रही है जिंदगी, सब कुछ बढ़िया, या क्या ही बोलूँ मैं इतना जोश में इससे क्यों बात कर रहा हूँ भाई, सैड माहौल है भाई। Congratulations, Cheval. Oh, हाँ, of course, ये राइडर बन चुका है ना। With your kinship stone on your hand, you look like a real rider now. Of course. But बेचारा अभी भी उदास है, सदमा लग गया बंदे को। बेचारा जिंदगी में उसकी मॉम ही आखिरी थी। एंड या वैसे हमारी भी कोई फैमिली नहीं है यार, अपन भी सिंगल लौंडे ग्रौंडे फ्रॉम हीरो होंडे, मतलब अपने भी कोई फैमिली नहीं, अपन भी अनाथी हैं इस स्टोरी में, काइंड ऑफ। What do you do to forge a bond? Won't you tell us? हाँ, इसने किसके साथ बॉन्ड किया, वो मॉन्स्टर बताओ भाई जल्दी। I don't believe in them anymore. Oh, okay. Yeah, जैसा सदमा लगा इस बंदे को मॉन्स्टर्स के साथ, I don't think so, ये कभी बॉन्ड पे यकीन करने वाला है, तो हाँ कह सकते हैं। Cheval, wait! भाग गया भाई। I want us all to celebrate you guys becoming riders together. समझ रहा हूँ लिलिया तेरी बात। We haven't talked much since the incident a year ago. Yeah, I know. If one of us is missing, it'll feel weird. Come on, it is being so cold. Well, I guess it's time to go. Yeah. Chief Omna is waiting for you in the Hall of Rites. Okay. I'm sure you're going to be a fantastic rider. Of course, I'm gonna fantastic rider. Yeah. Let's go, bhai. Hamara Cheval bhai to rider ban chuka hai, but abhi tak wo bechara sadme se nikal nahi paya. And क्या ही बोलूँ उसके बारे में, मैं क्या ही ज़्यादा बोल सकता हूँ। चलो ठीक है, कोई ना, उसके बारे में बोलने से अच्छा आप उन बनते हैं भाई एक नया राइडर जो हमारे चेवल भाई का बदला लेगा एंड ये अपना भी बदला लेगा भाई। सो लेट्स गो, कहाँ है, यही जगह है ना, आई थिंक सो यही जगह है, हॉल ऑफ राइट्स, राइट्स नाम है, रिट्स नाम है, जो भी है। तो यहाँ हमें अपने को मिलेगा पहला अपना किनशिप स्टोर, जिसके बाद आप उन बनेंगे राइडर द प्रोवाइडर, मतलब क्या ही बोलना।
और फिर लंबहारी चलाएंगे अपन। There you are, today's young star. ओ बॉय साहब, हम तो अभी से तारे बन गए क्या अंकल? हमको मरवाने का प्लान बना रखे हो, तारा वारा बना के क्या? मतलब जो मर जाता है वो तारा बनता है ना, यही तो स्टोरी है ना अपने वर्ल्ड की। तो यार ये यही प्लान बना रखा है कि मैं पहले ही मर जाऊं भाई, खतरनाक है भाई। कभी कभार चीफ ओमना के ऊपर मुझे शक होता है। A year on from that fateful day, upon reflection, let me say, okay, क्या कहना चाहेगा बुढ़ऊ? You're bonding with that Rathalos. Puts you amongst the monster pros. Oh, okay, भाई साहब बोल रहा है कि तुम्हारा रैथलोस के साथ जो बॉन्ड था उसके बाद तो तुम कहे तो मॉन्स्टर प्रो बन सकते हो, क्या बात है भाई साहब। As a rider, you have the right stuff to grow and learn and be super tough. Okay, अंकल जी, okay. But there's still a lot to do to make a rider out of you. Okay. The greatest riders never rest in their fight to be the best. Oh, भाई क्या डायलॉग मारा भाई, क्या डायलॉग मारा भाई। The greatest rider never rest in their fight to be the best. Oh, भाई क्या डायलॉग मारे अंकल जी, तुम तो छा गए भाई, छा गए भाई। Like me, and I'll be there to help out whenever you need. You hear? Of course, Dan bhai. But first, there's something we must do. The right of kinship awaits you. Okay, अंकल जी. For this, there is something you need. To allow your potential to be freed. The rider's symbol, and ours alone, the bond forger, the kinship stone. तो दे दो भाई, काहे पका रहे हो, दे दो। By this stone, your hearts are bound, and with your monster, kinship found. तो ये kinship stone की मदद से हम लोग monsters से अपना bond बना सकते हैं, मतलब दिल टू दिल का connection, मतलब kind of ये device ऐसा है जिससे आप उन monsters को टेम कर सकते हैं या उनसे बातें कर सकते हैं या अपना दोस्त बना सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। Monstie, I thought of that. A monster who is your bestie. Get it? Okay. Each stone is special, one of a kind. Keep yours close to heart and mind. तो उसने कहा each stone has क्या? Each stone is special. मतलब और भी stones मिलने वाले हैं क्या? मतलब मैंने जब game खेला था तो मेरे को I don't think so कोई और stone मिला था। मेरा kinship stone का ही सिर्फ power level up हुआ था। शायद से इस गेम में उन लोग ने मतलब जो रीमास्टर वर्जन है इसमें थोड़ा सा डिफरेंट किया होगा कुछ। लेट्स सी, चेक आउट ओवर हियर, दीस आर मॉन्स्टर एग्स। इफ यू मैनेज टू हैच वन, इट विल बी योर मॉन्स्टी। ओके, तो अब हमें अंडा हैच करना है। एन एग विल हैच एंड अ मॉन्स्टी बी नोन। ओके, तो किनशिप स्टोन के मदद से आप अंडे हैच कर सकते हैं। चलो भाई, देखा जाए अपना पहला राइडर कौन बनेगा, मतलब ये अपना बेस्टी कौन बनेगा। लेट्स सी, शैल वी? ओ सेक्रेड किनशिप स्टोन। मुझे लगा अंकल जी अलबत्ता खलबत्ता उठा उठा के दे पटका बोलेंगे, बट ठीक है कोई ना। मतलब आदिवासी हैं, जरूरी नहीं सेम मंत्र मारे, मतलब गोंद एस्टोनिश बॉय का, बट स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आओ अंकल जी, तुम डांसर क्यों नहीं बन जाते? मतलब यार उम्र हो गई है बट फिर भी डांसर तो बन सकते हो तुम। चुप हो जाते हैं। ओ अरे अंडा हिला, अरे हिला हिला तो छोड़ो, ये अंडा भाग रहा है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स इज दिस ऑसम भाई। डैन की खुशी देख रहे थे भाई, डैन नेक्स्ट लेवल खुश है। ओ खोपड़ा फूट गया। लाइवली एग, इट्स रियली क्वाइट द पाउडर एग। ऑफ कोर्स भाई, ये अंडा कुछ ज्यादा जोशीला है। ओ हेलो, अंडे के पैर निकल आए। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, गेट आफ्टर दैट एग। ऑफ कोर्स, लेट्स गो। मेरे भाई पकड़ लो उस अंडे को, नहीं तो अंडा छोड़ के भाग जाएगा भाई, फिर मेरा मॉन्स्टर कहां रह जाएगा? ओ भाई, डैन का खोपड़ा तोड़ दिया। लेट्स गो, कैच कर लिया अपने, बढ़िया। ओ हेलो, अरे इसके अंदर से बिल्ला कहाँ से निकल गया, हमारा प्यारा बिल्ला। ऑफकोर्स भाई, गिरेगा तो चोट तो लगेगी। ये सवाल मेरे को तेरे से पूछना चाहिए, बट ठीक है कोई ना। I should introduce myself first, huh? Of course. तेरे को पहले अपने बारे में बताना चाहिए। I am a wandering feline hero. ओ, okay, तो हीरो कब बना भाई? तेरे को हीरो का किताब कौन दिया भाई? Name Earth Pending. Pending? अबे तेरा नाम नेवरस था पेंडिंग कैसे? अच्छा, नेम पेंडिंग है बेचारे का। Sorry, I didn't mean to.
I was just walking by and exactly then saw this exceptional egg. अच्छा तो ये बंदा इधर से भटक रिया था इधर इसे ये अंडा दिखा और ये इधर आ गया। ओके भाई कोई और काम धंधा नहीं था इस बिल्ले का। अच्छे से भूख लगी थी दैट्स वे अंडा फ्राई बनाने का सोच रहा था। ऑफ कोर्स हीरोज नेवर गेट हंग्री। हैं तो फिर हाँ, भूख किसको लगती है भाई? जब हीरोज को भूख ही नहीं लगती तो भूख किसको लगती गधे को। Look, we're kind of doing a ceremony here, so get lost. Of course, get lost. Hold, hold, hold. That's rude, dude. Just who do you think you're talking to, pal? Haha. I conversation is not funny, boy. Feline. Now what to do? May I leave it to you? Why not? Yes, sir. I'm संभाल लेंगे. Now here's the deal. First the ritual, then your meal. Yeah. पहले हमें रिचुअल कंप्लीट करने दे, देन तेरे को खाना मिल जाएगा। अरे बट तू अभी हीरो था ना। अच्छा तो मेरे से चिपक क्यों रहा है भाई? अच्छा मैं खाना देने वाला हूँ, दैट्स व्हाई। स्वीट, देन इट्स सेटल। आई विल स्टिक अराउंड एंड लेंड यू अ हेल्पिंग पॉ। ओह ओके, बिल्ला हमारी मदद करेगा। बिल्ले तेरे को क्या आता है भाई, ढिल्ला कहीं का? आई मी आउट के सस्ते कॉपी। चलो देखा जाए अंडे का फंडा। नेवरू को बाद में छोड़ो। कंप्लीट 180 फूड ऑफर समझा नहीं मैं। यू वर इन द मिडल ऑफ अ रिचुअल राइट? यप। It looks like this feline is here to stay. Mm-hmm. So, let's get the ritual back underway. Of course. Let's go, bhai. Ritual to karna padega because hame monster chahiye apna. Lagaya Kinship ka power. Sacred stone. Awaken. Oh, bhai. Awaken kya word sunne mein kitna cool lag raha tha. Awaken. Mast. ओ, अंडे का फोड़ने वाला फंडा। लेट्स सी स्लिप द हैच एग इन अ क्या एग कैरटोन टू हैच योर एग्स। योर नेवी मॉन्स्टर में रिसीव क्या स्टेटस बोनस बेस्ड ऑन क्या सेट प्रोबेबिलिटी। ओके सेट प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? सिलेक्ट एग फ्रेगमेंट टू असेंबल एग्स एंड हैच अ न्यू मॉन्स्टर। हाँ ये वाला फंडा मैंने आज तक कभी कंप्लीट नहीं किया। लेट्स सी लेट्स हैच एन एग। ओके तो बस खोपड़ा तोड़ते रहो खोपड़ा तोड़ते रहो। एचपी मिला है बस और डिफेंस मिला है। सबसे ज़्यादा तो मुझे एचपी मिला है इस मॉन्स्टर में। एक अटैक और चार डिफेंस और 9 एचपी। और अपना है वेलक्रो। इसका नाम मैं आज तक सही नहीं ले पाया। मैं इसको वेलो ही बुलाऊंगा। इसका नाम वेलो ही सही है भाई। इसका बाकी नाम तो छोड़ ही दो। आई डोंट थिंक सो। नहीं इसको नाम दे ही देते हैं ना, क्या रहने देते, छोड़ो बाद में नाम देखेंगे अपने मॉन्स्टरों का। वैसे मुझे बताना गाइस अगर तुम्हें किसी मॉन्स्टर को नाम देना होगा तो ज़रूर बताना मेरे कमेंट सेक्शन में। And maybe even a standing ovation. Hmm. You did well to form a kinship bond with this monster of whom you are so fond. वाह भाई सभी अंकल जी साइरिस बड़े भारी मारते हैं। Stood by your side. Care for it well, as is a rider's pride. Riders forming kinship with monsters, a tradition older than time. Yeah. भाई साहब ये कहें तो टाइम से भी ज्यादा पुराना है वो, ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता। And an old man who speaks only in rhyme. Now I'm doing it too. Awesome. Yeah, of course, भाई अंकल जी राइम में ही बोलते हैं भाई। खतर है, वो तो शायर है भाई अंकल जी। अपने ओमना चीफ शायर है। Not you too. In any case, the ceremony isn't over just yet. Okay. A kinship stone must be purified before it can reveal its hidden power. You have to cleanse the kinship stone in the waterfall at the Mount Pondry Caves. If you can't pass this trial, you won't be allowed to complete the ceremony. So, kiddo, will you accept this challenge? Of course, bhai. Main taiyar hu Dan bhaiya. Challenge ke liye mai piche aisa ho hi nahi sakta. That's the correct answer. Awesome. Come to the village gate when you've made your preparations. Okay. Let's go. आखिरकार वक्त आ गया। यू हैव बीन ऑब्टेन अ मॉन्स्टाइट बट द रिचुअल ऑफ किनशिप इज अ फार फ्रॉम ओवर। नाउ यू मस्ट हेड टू द एम्प्टी पाउंड केव्स एंड इंश्योर द किनशिप स्टोन गिविंग बाय द चीफ ओमना इन द वाटर देयर बट व्हाट कुड बी वेटिंग इन द केव। अबे भाई केव में कोई मेरा इंतजार कर रहा है? या तो हमको पता ही नहीं था।
लेकिन कैसे नहीं, हेलो भाई, कैसा है भाई? बढ़िया लग रहा है तू। ये कुटकू है ना अपना प्यारा कुटकू। हेलो कुटकू, इसकी आंखों में डर लग रहा भाई। हाँ नहीं, डर नहीं रहा भाई, बोलता है ये कौन है हलवा, इसको भगाओ भाई इधर से। चलो ठीक है, अपन भागे चलते हैं। वैसे भाई अपने को हलवा बोल रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं है? हेलो बिल्ले, व्हाट आर यू डूइंग बिल्ले? अरे वैसे ये बिल्ला और ये अपना नेवरेस्ट वाला बिल्ला अलग लग रहा है। इज दैट अ फैमिली बिहाइंड मियाओ? थिंक वी कैन बी फ्रेंड्स? ओके हाँ, दोस्त बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मेरे को क्या, बट ये बिल्ला तेरे से अलग नहीं लग रहा है? अरे चीफ हमने के घर में आकाश में घुस पाता, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलती ढापने को। बट कोई ना, अपने को जाना है गेट के पास क्योंकि हमें रिचुअल पूरा करना है। ओके हेलो आंटी जी, क्या बना रही हो? जड़ी बूटी में? ओ भाई साहब, इस बार तो पत्तों का डिटेल काफ़ी अच्छा है, बट इसमें थोड़े से और एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते ना तो मज़ा आ जाता है। लेकिन कोई ना, स्टिल मस्त है भाई। वर्ड इज गोल्ड बोले तो। हेलो न्या, ये न्या काय को कर रही है मेरा भाया? ओके ये अपना हाउस, फाइनली अपना हाउस लगता अनलॉक हो गया। सो दिस प्लेस इज योर हाउस? हाँ, लेट्स टेक अ पीप इनसाइड, आई डू लव टू सी व्हाट यू गोइंग इन देयर। ऑफकोर्स मैं भी देखना चाहता हूँ भाई मेरे घर के अंदर क्या है, बट उससे पहले हेलो बिल्ले, राशन कार्ड लाया मेरा? वांट टू चेक आउट योर मेल? ऑफकोर्स भाई, मेल का खेल। विजिट द कैनियन टू क्लेम अ व्यू राइडर कार्ड्स यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम अदर प्लेयर इन नेटवर्क। या वैसे गाइस, जिसे ना पता हो ये गेम तुम ऑनलाइन भी खेल सकते हो एंड बैटल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने यार के साथ, अपने परिवार के साथ एंड रिश्तेदार के साथ। और देख इतने सारे लोगों के साथ बैटल कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं था, बट ठीक है। योर हाउस कंटेन्ड सर्वल यूजफुल फीचर्स, नेम अ बेड एंड चेस्ट। ओके टेक अ नैप बैड टू सेव द गेम बिफोर टू सेव द ऑफ्टन इन योर केस यू रन टू ट्रबल। या समझ गया भाई, मतलब ट्रबल में जाने से पहले, मतलब खतरे में जाने से पहले अपना गेम सेव कर लेने का। एबल फ्रॉम द चेस्ट मेन्यू यू कैन कस्टमाइज योर कैरेक्टर बॉडी हेयर स्टाइल। अच्छा, कभी भी मैं अपने कैरेक्टर को कस्टमाइज कर सकता हूँ। ये इस गेम का फीचर मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, मतलब अपन बार बार अपने अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो। अवेलेबल फ्रॉम द चेस्ट मेन्यू यू कैन कस्टमाइज नेवरिस अपीयरेंस बाय ड्रेसिंग हिम इन आउटफिट। हाँ या वैसे मेरे को मिलेगा तब रख करूँगा। अवेलेबल फ्रॉम द चेस्ट मेन्यू यू कैन रीवॉच एनी कटसीन। ओके ये तो बेस्ट थिंग है भाई, कट सीन्स तो अपन दोबारा देख सकते हैं गाइस। पहले चेस्ट में चलते हैं एंड नेवरेस्ट के लिए मेरे पास कोई आउटफिट है? ओ है, वाओ। अरे भैया क्या क्यूट लग रहा भाई, और राथा का क्या मस्त है। हाँ क्योंकि ये डीएलसी में आया है ना, किंग एंड क्वीन कॉस्ट्यूम राथा का। या ये डीएलसी आइटम्स हैं भाई, कितना क्यूट लग रहा है यार। ये पॉइजन वाला राथा है, फीमेल वाला, ये अपना मेल रहा था, और यह तो राइडर आउटफिट है। ओ वेल ब्लेड, ओ भाई कितना क्यूट लग रहा है यार नेवरेस। ओ ब्लेजिंग बीट्स बन सकता है, ब्लेजिंग बीट्स अगर किसी को ना पता हो तो, ये इसका एक साथी है। और कूल सरेनो भी, ये इसके सारे साथी हैं अपने, इतने जल्दी क्यों अनलॉक हो गए? ये स्टोरी में अपने को आगे देखने को मिलेंगी, बट ये स्टिल ये स्पॉइलर टाइप का हो गया। लाइटनिंग नेवरेस, ओ भाई ये वाला फॉर्म मेरे को देखना है, ये अपने को बैटल में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये सब यूज नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ ये उसके बडीज हैं। सो लेट्स गो विद दैट वन, ये भी सही है। या ये ज़्यादा सही लग रहा, या ये भी सही है। तुम लोग बताना गाइज, मैं फिलहाल के लिए किंग वाला ले रहा हूँ। तुम लोग बताना कि नेवरेस्ट पे कौन सा अच्छा लग रहा है, देन उसके हिसाब से अपन नेवरेस्ट पे सेट करेंगे। एंड ये सारी कट सीन्स अपन रीवॉच कर सकते हैं। और भाई साहब बढ़िया है, बढ़िया है, मस्त। चलो ठीक है, गेम को सेव करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया अपन ने, बट गेम को सेव करने का तरीका स्टिल ओल्ड है। आई थिंक अपन हर जगह पर सेव नहीं कर सकते, मतलब स्पेसिफिक जगह पर ही आप सेव कर पाएंगे। चलो कोई ना, लेट्स सेव दिस गेम। एंड सेव हुआ गया ना, कैन नॉट सेव ओवर द ऑटो। अच्छा ऑटो स्लॉट है, तो ऑटो स्लॉट पे मैं सेव नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक ही सेव रहता है। सही है फिर तो, मतलब ऑटो सेविंग है इस गेम में, फिर तो बढ़िया है। तो या मतलब अपने को बाकी दो स्लॉट एक्स्ट्रा दिए गए हैं जिसके हिसाब से आप स्टोरी में कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं या कोई चीज़ मिस कर दिए हैं तो उसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फंडा लगा मेरे को। तो लेट्स सी भाई, बाहर चलते हैं। नेवरेस भाई तो एकदम तबाही लग रहा है भाई, खतरनाक बोले तो। ओ भाई नेवरेस लिटरली भाई क्यूट लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा। लिटिल क्यूट रहा था नेवरेस। एंड लेट्स सी इन्वेंटरी में अपने पास क्या चीज़ें हैं, पहले चीज़ें देख लेते हैं। ओ हर्ब दे रखे हैं, तो आई थिंक जो अपने फार्म किया था वही चीज़ें हैं। एंड बग नेट, राइडर आउटफिट, ये तो सारे अपने आउटफिट्स हैं।
एंड या सिर्फ हर बाय हनी है जो आपने उधर जंगल से कलेक्ट किया था शुरुआती जो गेम चालू हुआ था तब। एंड बैटल पाउच अगर किसी को ना पता हो तो तुम यहाँ अपनी चीज़ें मतलब एडिट मार सकते हो जो तुम इन बैटल इस्तेमाल करोगे, मतलब तुम इसमें पोशंस इस्तेमाल कर सकते हो एंड कुछ चीज़ें मिलती हैं जो तुम्हारी हेल्प करती है बैटल में, जो मैं तुम्हें आगे एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे गेम में आगे बढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए यहाँ इक्विपमेंट्स हैं, इक्विपमेंट में तुम लोग जाके अपने वेपन्स बदल सकते हो एंड यहाँ आर्मर बदल सकते हो। लेट्स सी, मेरे पास एक ही आर्मर है, मुझे लगा आर्मर्स थोड़े एक्स्ट्रा होंगे। और एसेसरीज भी हैं जो तुम्हारी मदद करती है स्पेसिफिक चीज़ों में और स्पेसिफिक बफ में। एंड यहाँ से आप अपन हेलमेट लगा सकते हैं एंड बर्न कर सकते हैं, मेरे हिसाब से हेलमेट निकाल रहते हैं अच्छा लगेगा। एंड स्टैट्स में आप उन अपने मॉन्स्टर्स के स्टैट्स चेक कर सकते हैं। लेट्स सी, वेलो के स्टैट्स 51 HP, 6 का स्पीड है, अटैक 21 है, ग्रोथ इसका क्विक है, सही है। एंड इसके पास एक ही अटैक है, पैसिव भी इसका ठीक है, मतलब राइडिंग इसका जंपिंग है एंड किनशिप में वेलो क्रस जो सबसे बेस्ट अटैक लगता है मेरे को उसका। उसका एनिमेशन तुम लोग को मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को खुद को एनिमेशन देखना है। एंड राइडर कार्ड क्या है, राइडर कार्ड का फंडा मैं पहली बार दिख रहा। अच्छा राइडर कार्ड क्या करता है, राइडर कार्ड कैन बी अलाउ, अच्छा ये ऑनलाइन बैटल्स के लिए है, या ये ऑनलाइन बैटल्स वालों के लिए है। स्टोरी क्वेस्ट ऑप्शंस, लेट्स सी ऑप्शंस में क्या है। कैमरा, कैमरा में मुझे कैमरा की स्पीड थोड़ी सी बढ़ानी थी, या आई थिंक सो इतनी काफ़ी रहेगी, सेट हो गया ना, या क्योंकि मेरे को रोटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। एंड कंट्रोलर सेटिंग तो या फाइन, जो अपने को मिला है वही सही है। लैंग्वेजेस में अपने पास सिर्फ आई थिंक सो इंग्लिश एंड जापनीज ही है, तो ठीक है। देखो गाइस, मेरे हिसाब से आज का एपिसोड धरी एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को इस एपिसोड में मजा आया हो, एंड मजा आया हो यार तो लाइक मार देना एंड बता देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं। मैं तो भाई लिटरली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में अपन करने वाले हैं सबसे पहला अपना बैटल एंड यूज करने वाले अपना वेलो क्रस। सो या भाई सब, मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ क्या ही बोलूँ। तो ये गाइस आज के एपिसोड धरी एंड करते हैं। आई होप तुम लोग को एपिसोड पसंद आया हो, पसंद आया होगा तो लाइक मार देना, चैनल पे नए आए हो और ऐसे एपिसोड्स और भी देखना पसंद है चैनल को सब्सक्राइब मार देना। तो आज के एपिसोड में बस नहीं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सेव नारा एंड फिर मिलेंगे दोबारा।